हाँ जी, टुडे आवर टॉपिक इज MCQ ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अच्छे से समझाया था, मीनिंग सब कुछ, है ना। ऑल ओवर जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे कि आपने क्या क्या करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दूंगी, तो वो आप अच्छे से करोगे, देन उसके बाद MCQ करोगे। और मैंने जो है लास्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बारे में बता तो दिया था, बट अच्छे से एक्सप्लेन उसे नहीं किया था। तो फर्दर जो मेरी वीडियो होगी, तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर मैं दूंगी, तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट पे अच्छे से बनाऊंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, सो इग्नोर नहीं करोगे। देन आज जो है MCQ शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन। और आप ना आप साथ के साथ आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं, ठीक है। और जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर देना है, देन उसके बाद मेरा देखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिविज़न है, आपकी जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सीरियसली थोड़ी सी बात मान लोगे तो आपका बेनिफिट बहुत होने वाला है, बाकी आपकी मर्जी है, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट ऑफ द नेशन एंड नॉन रेजिडेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेजिडेंट ऑफ ए नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूछा क्या गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन। तो इसमें जो है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में क्या आएगा कि जो रेजिडेंट ऑफ नेशन है, जो देश में रहने वाले पर्सन हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ से कितनी इनकम हो रही है, तो उसका जो सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना, जो सारा रिकॉर्ड है, उसे आप क्या बोलते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हो। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, केस बेसिस, या फिर क्रूशियल बेसिस। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार अनाउंस कर देती हूँ कि जो भी PGT इकोनॉमिक्स की या फिर SST मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप लोग अगर कंप्लीट बैच अगर आपने ज्वाइन करना हो, देन आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, देन जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज़ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी ऑप्शन, डबल एंट्री। ओके, तो डबल एंट्री के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज़ होता है। देन उसके बाद है द रेजिडेंट हुज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन गेट रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। आपने क्या करना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करोगे या फिर जैसे भी है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाओगे, क्लियर है ना, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो रेजिडेंट हुज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन गेट रिकॉर्डेड अंडर द, तो जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस है ना, वो किसके अंडर में रिकॉर्ड होती है, उसमें क्या क्या, उसके अंडर में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, मतलब तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी आएंगी, इंडिविजुअल्स भी आएंगे, और फर्म्स भी आएंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया भी था, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इसके क्या होते हैं, कैपिटल जो है कंपोनेंट होते हैं। देन इनके बारे में इसके जो नेक्स्ट कंपोनेंट थे वो भी बताए थे एक चार्ट के थ्रू, तो उनको अच्छे से करोगे, कोई भी आपने अपने नोट्स बना लीजिए, याद रख लीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, है ना। इनको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो, फर्दर जो है इंडिविजुअल बना दूँगी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट पे। ओके, देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द डेज, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ ए बी, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका तो आंसर यहाँ पे लिखा ही हुआ है, क्रेडिट साइड। अब ऐसा क्यों आया भाई, तो इसमें बोला गया कि इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब जो पेमेंट है वो हमारे देश में आ रही है, ठीक है,
हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में इंक्लूड होगा ना, डेबिट का मतलब कुछ कम हो रहा है, क्रेडिट का मतलब कुछ आ रहा है हमारे पास, क्रेडिट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो कौन सी साइड में आएगा, वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, चैनल को, एंड नेक्स्ट जो भी है शेयर कर दीजिए। सिर्फ आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपसे दिली एक ही मेरी जो है रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रही हूँ, देन आपके लिए तो बिल्कुल भी क्लिक ही करना है ना आपने, तो देन इतना तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो डिफरेंस आप देखते हो ना, उसे आप क्या बोलते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन नोट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है, रियल अकाउंट, करंट अकाउंट या कैपिटल। तो आपको याद आ गया होगा कि करंट और कैपिटल तो है ही, मतलब रियल अकाउंट इसका कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नोन एज नॉमिनल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, विजिबल, या फिर नन ऑफ अबव। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स का हो रहा है ना, तो वो तो विजिबल में आएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है यहाँ पे। तो विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है ना। देन इसके बाद है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है वो सर्विसेज का हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप इनविजिबल बोलते हो ना, इनविजिबल ट्रेड बोलते हो। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद अपना आंसर दोगे, देन मेरा देखोगे बाद में। ठीक है, सीरियसली बोल रही हूँ, आपके बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपने फटाफट वीडियो को कंप्लीट नहीं करना कि बस फटाफट देख लो बात खत्म, नहीं, आपने अपना आंसर देना है, देन उसके बाद मेरा देखना है कि आपका सही था या गलत था। तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लीजिए। अब मैं अगर रुकूंगी तो आप फिर बोर हो जाओगे, कि आप बोलोगे कि मैडम तो बहुत टाइमिंग लगा रहे हैं, है ना, तो इसलिए मैं फटाफट आंसर दे रही हूँ, बट आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, आप अपना आंसर दोगे देन मेरा देखोगे। देन उसके बाद है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज़ रिकॉर्डेड अंडर, जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो मशीनरी और इक्विपमेंट का, है ना, वो किस में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में, या फिर डेबिट साइड कैपिटल में, डेबिट साइड करंट में, या फिर क्रेडिट साइड करंट में। तो टेंथ का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा सी ऑप्शन। अब आपको पता है कि इम्पोर्ट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट होगा, तो क्रेडिट वाले ऑप्शन ही काट दो, ए ऑप्शन को कट करो, देन डी ऑप्शन को कट करो। अब बात है कि ये कैपिटल अकाउंट में आएगा कि करंट अकाउंट में आएगा, तो आप इम्पोर्ट कर रहे हो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो ये जो है वो करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और बीच में वैसे भी एमसीक्यू आ जाएंगे कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, बट जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। देन उसके बाद है गिफ्ट और ग्रांट, जो भी आप रिसीव करते हो ना आउटसाइड कंट्री से, तो वो किस में इंक्लूड होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और आप अपना आंसर दीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो जो भी आपको बाहर से रिसीव हो रहा है, मतलब कुछ मिल रहा है ना, तो वो क्रेडिट में आएगा। अब ये किस में आएगा, करंट में या कैपिटल में, तो जो गिफ्ट और ग्रांट होते हैं ना वो करंट अकाउंट में आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट वाले ऑप्शन आप कट कर सकते हो, तो दो तो कट ही हो गए। अब दो ऑप्शंस में आप क्या देखोगे कि कैपिटल में आएगा या फिर करंट में आएगा। ओके, देन उसके बाद है द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन लाइक, द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, अब जो करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसमें क्या इंक्लूड होगा। तो अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना, तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देखिए कौन सा आएगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन। अब डी क्यों आया भाई, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको पता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आएगा, है ना, गुड्स और सर्विसेज का, ट्रांसफ़र टू फ्रॉम एब्रोड, है ना, ये भी इसमें आएगा, इनकम टू एंड फ्रॉम एब्रोड से जो भी इनकम हो रही है वो भी आपका क्या आएगा, करंट अकाउंट में आएगा।
तो ये भी आपके लिए एक देखा जाए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 13th नंबर द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा भाई, अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसका भी डी ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका कैपिटल में आएगा। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, अब वहाँ पे इनकम लिखा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है, ध्यान रखना, तो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका कैपिटल में आएगा। और जो भी आप बाहर से उधार ले रहे हो या दे रहे हो है ना दूसरे देश के लिए, तो वो भी आपका किस में आएगा, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 14th नंबर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए डैश कंसेप्ट टू कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कंपेयर करना है तो आपको पता है कंपेयर करने के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रॉड। अब आपको पता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड से, है ना, बड़ा कंसेप्ट है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन उसके बाद है नेक्स्ट 15th नंबर ट्रेड डेफिशिएट अक्कर वेन, जो ट्रेड डेफिशिएट है वो कब अक्कर होता है, वेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बट सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देख लीजिए। ट्रेड डेफिशिएट कब होता है, तो ट्रेड डेफिशिएट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो कम रह जाती है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से, तो उसे आप क्या बोलते हो, ट्रेड डेफिशिएट बोलते हो, ट्रेड डेफिशिएट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, तो ये बी ऑप्शन कट हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज तो इसमें आएगा ही नहीं ट्रेड में, तो ये भी कट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी सर्विसेज लिखा हुआ है इसलिए ये भी कट हो जाएगा, तो बड़ा आसान है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए ऑप्शन, कहते कि सॉरी 16th नंबर कि ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इंडिया गेट ए लोन फ्रॉम ए फॉरेन बेस्ड कंपनी, है ना, फॉरेन बेस्ड कंपनी से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के अंदर वो लोन ले रहा है, दिस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड, तो वो वाली जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगी, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद एन, अच्छा ठीक है, ओके ओके, फॉरेन बेस्ड कंपनी इंडिया के अंदर लोकेटेड है ना, तो वो जो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है वो जो ट्रांजेक्शन है वो किस में रिकॉर्ड होगी, समझ रहे हो। क्वेश्चन को फिर से देखिए, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन इंडिया, है ना, ए लोन फ्रॉम ए फॉरेन बेस्ड कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन, तो ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में, और आएगा कैपिटल में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो कैपिटल में आएगा। अब बात ये है कि ये वाला जो है क्रेडिट है या फिर डेबिट है, तो हमारे देश में हो रही है ना इन्वेस्टमेंट, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको समझना है। अब बात सेम ही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन इंडिया इन्वेस्ट इन ए फॉरेन बेस्ड कंपनी, तो इसमें बताइए, अब ये वाला रीड आउट करिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए फॉरेन बेस्ड कंपनी, है ना, लोकेटेड विद इन इंडिया गेट ए लोन, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद इन इंडिया इन्वेस्ट इन ए फॉरेन बेस्ड कंपनी, है ना, फॉरेन बेस्ड कंपनी में लगा रही है पैसा, तब इसका आंसर क्या आएगा भाई, तब इसका जो आंसर है वो आएगा डेबिट साइड में, आएगा तो कैपिटल में वो तो श्योर है, बट यहाँ पे ये पहचान करनी है आपने कि डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। देन उसके बाद है 18th नंबर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एक्टिविटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर डैश ट्रांजेक्शन, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एक्टिविटीज़, है ना, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो अदर एक्टिविटीज़ है उससे इंडिपेंडेंट है, तो वो किस में आएगा, तो इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑटोनमस में आएगा। तो यहाँ पे जो ये दो कंसेप्ट है ना आपके, एक तो कैपिटल और करंट अकाउंट, ये तो है ही इम्पोर्टेंट, अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनमस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जो दो पार्ट है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं इन पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी, अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनमस अकाउंट क्या होता है, तो सी और डी इसी में इंक्लूड कर देंगे या तो, ठीक है, तो आपके जो ये पार्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दैट आर डिपेंडेंट ऑन, अब डिपेंडेंट है अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो डिपेंडेंट में क्या आएगा भाई, तो डिपेंडेंट में अकोमोडेटिंग अकाउंट आएगा, ठीक है, तो डिपेंड होता है वो अकोमोडेटिंग, जो इंडिपेंडेंट होता है वो ऑटोनमस। देन उसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसिप्ट, जो
पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज की वो ज़्यादा है रिसिप्ट से, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा, डेफिशिएट में होगा, बैलेंस्ड होगा। तो अब आपको पता है मोर है तो बैलेंस्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नन ऑफ अबव भी नहीं आएगा। अब आपने ये देखना है कि सरप्लस में है या फिर डेफिशिएट में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज आर मोर, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है ना और रिसिप्ट कम है, मतलब डेफिशिएट में जा रहे हो ना, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद है द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन टू कवर द डेफिशिएट और सरप्लस ऑफ ऑटोनमस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। आप क्या बोलते हो भाई, ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है अंडरटेकन टू कवर द डेफिशिएट और सरप्लस ऑफ ऑटोनमस अकाउंट की बात हो रही है, तो उसे आप क्या बोलते हो, अरकाल। तो इसे आप बोलते हो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हो, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन उसके बाद है द मेजर टेकन टू इम्प्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड एक्सचेंज कंट्रोल, करेंसी डिवेल्यूएशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारे पास डी ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, तो उसे आपने इंक्लूड कर जो है ठीक करना है, तो क्या करोगे, एक्सचेंज कंट्रोल करोगे, करेंसी का डिवेल्यूएशन करोगे और इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन करोगे, कि जो माल आप बाहर से मंगा रहे हो वो मैक्सिमम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करो, ताकि अपने को बाहर से कम मंगवाना पड़े। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे बैलेंस जो पेमेंट है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गेट्स रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से रीड आउट कीजिए, क्या होगा, एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गेट रिकॉर्डेड ऑन द डैश, है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना उनकी बात हो रही है, गेट रिकॉर्डेड, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किस में इंक्लूड होंगे, वो आपके क्रेडिट साइड में, क्योंकि रिजर्व का मतलब इकट्ठा, है ना, जो इकट्ठा है फॉरेन एक्सचेंज, जो रिजर्व स्टोर सेव हो रहा है ना आपके पास, तो वो किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग आर ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा भाई, फॉरेन लोन, मॉनेटरी मूवमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑल ऑफ अबव। अब आपको पता चल गया ना कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, फॉरेन लोन भी आ रहा है, मॉनेटरी मूवमेंट्स हैं वो भी कैपिटल में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो भी किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर बिजनेस ईयर, न्यू ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है अकाउंटिंग ईयर, है ना, अकाउंटिंग ईयर। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या होती है, अकाउंटिंग ईयर की पूरी जो है वो स्टेटमेंट होती है, रिकॉर्ड जो है डाटा होता है। देन इसके बाद है द करंट अकाउंट डेफिशिएट इज अनफेवरेबल फॉर ए कंट्री बिकॉज इट इज सिग्निफाई, जो करंट अकाउंट है वो डेफिशिएट में है, इज अनफेवरेबल फॉर ए कंट्री बिकॉज इट इज, तो इसको भी कीजिए सिग्निफाई कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर आपको सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्या लिखा हुआ है बी में, दैट द नेशन इज बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और देन उसके बाद है द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज, और अब करंट अकाउंट है वो डेफिशिएट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो उन्होंने बोरो, दैट द नेशन इज ए बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादा उधार ले लिया है ना रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, या फिर क्या हो गया कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट, या फिर उसके पास प्रॉपरली फॉरेन एक्सचेंज है नहीं इस इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है, अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम ए फॉरेन बैंक इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट बिकॉज इट इज ए ट्रांसफर रिसिप्ट एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर इनविजिबल सर्विस या फिर ए विजिबल गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ए इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या पूछा गया है, द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम ए फॉरेन बैंक, ठीक है,
रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट बिकॉज अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है ऑन डिपॉजिट फ्रॉम ए फॉरेन बैंक इज रिकॉर्डेड, तो वो किस में रिकॉर्ड होगा, तो जो है इन द करंट अकाउंट बिकॉज, क्यों? अब ये तो पता चल गया कि वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो इनकम है हमारी, दूसरे देश से हमें इनकम हुई है, और जो दूसरे देश से इनकम होती है वो किस में आती है, वो आपकी करंट अकाउंट में आती है, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिट हो रही है ना फॉरेन बैंक में, तो वो वाली वो हमारी इनकम हो गई ना, इसलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इनविजिबल इम्पोर्ट, द बैलेंस रिलेट टू ट्रेड डेफिशिएट कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा यहाँ पे, इसे आप डिटरमिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अब आपको पता है कि विजिबल एक्सपोर्ट है और यहाँ पे इनविजिबल इम्पोर्ट है, तो अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिएट, अब ट्रेड की बात हो रही है तो ट्रेड ऐसे थोड़ी ना निकलेगा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में, ये आता नहीं है, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस तो करोगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, बट सिर्फ यहाँ पे विजिबल है तो यहाँ पे भी विजिबल होना था, बट यहाँ पे विजिबल एक्सपोर्ट है बट यहाँ पे इनविजिबल इम्पोर्ट है, इसलिए ये क्या हो गया, आप इसे डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द वैल्यू ऑफ विजिबल इम्पोर्ट इज़ मोर देन वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट, तो बात तो वही आ गई ना, आप इसे भी डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, वो सेम ही बात है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, अगर आपने राइट आंसर दे दिया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर मैं दूंगी, ओके। बट होप सो आप इस आंसर को अच्छे से दोगे। यहाँ पे ट्रेड डेफिशिएट पूछा गया है कि ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, ट्रेड डेफिशिएट कैसे निकालते हो, तो मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आपस में माइनस करोगे। क्यों करोगे? एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट करोगे या फिर इम्पोर्ट में से एक्सपोर्ट करोगे, क्या माइनस करोगे, क्यों करोगे, वो भी आपने लिखना है। देन इसका जो राइट आंसर है वो भी आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी देन आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।